हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरे न्यू ब्लॉग में सब लोगों का स्वागत है और बड़ों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं न्यू ब्लॉग के साथ यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा सुबह का काम हो चुका है सब कुछ। अभी मौसम भी बढ़िया है हमारे इधर। और आपके शहर में कैसा है मौसम? अभी आज मैं जा रही हूँ ऊपर मार्केट की ओर, तो मेरे साथ वाले भी जा रहे हैं आगे और मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम है मेरे साथ वालों का भी और मेरा भी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अभी मार्केट की ओर। दोस्तों, बने रहो, आप भी मेरे साथ जुड़े रहो और आज का व्यू दिखाएंगे आपको यहाँ का आगे का, तो देखते हैं आगे। मैं जा रही हूँ इस रास्ते से, पीछे गन्ने के खेत हैं और छोटे छोटे बो रखे हैं, अभी आजकल ही उग रखे हैं। तो यहाँ से आ गया रोड, उधर जा रहे हैं मेरे साथ वाले भी साथ में, आगे आगे ये लोग जा रहे हैं, मैं पीछे जा रही हूँ। अभी मार्केट में पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब जा रहे हैं हम लोग सब एक साथ में, अभी जा रहे हैं रोड पे। और ये कैसे बन के जा रहे हैं ना, सबसे स्मार्ट तो मेरी बीच वाली दगड़िया लग रही है, फिर उसके बाद रेड सूट वाली, फिर यहाँ पे ग्रीन सूट वाली। अब वो भाग चुकी है आगे पे शर्मा शर्मा के। कितना मज़ा आ रहा है आज पैदल पैदल चलने में, क्योंकि मौसम साफ है इसकी वजह से, और थोड़ा सा बादल भी घने आ रखे हैं, तो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है इसकी वजह से हम आज पैदल जा रहे हैं इस रास्ते से। नहीं तो मार्केट का रास्ता आगे उधर से है, उधर से जाते हैं, लेकिन आज हम इस रूट से जा रहे हैं। जाना बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम लोग जा रहे हैं सब एक साथ और बहुत अच्छा लग रहा है पैदल पैदल जाने में। और अभी पहुंचने ही वाले हैं हल्दी चौड़ की मार्केट में, और साथ वाले तो मेरे इतने अच्छे हैं ना, क्या बोलो, चुपचाप से नहीं पाते हैं। हाँ, चुपचाप में चले जाते हैं। और शर्मा शर्मा के देख रहे हो, कितने शर्मा रहे हैं, हल्द्वानी में रहते हैं, फिर शर्माना देखो। धीरे धीरे भागना, कोई उस रोड से कोई इस तरफ से भाग दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके क्या करूं दोस्तों। हाँ, बड़ी मुश्किल से इनको सामने लाना पड़ रहा है मुझे, और क्या करें, ऐसे ही है मेरे दोस्त लोग, बहुत शर्मीले हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मार्केट में, मेन मार्केट में। अभी आएगा आगे ट्रेन फाटक। और हम अभी जाएंगे दूसरी वाली रोड पे। अभी हम लोग हल्दी चौड़ के रोड पे थे, अभी बरेली वाली रोड पे जाएंगे, मेन रोड पे। ये बरेली वाली रोड आ गया हाईवे वाली, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो हम लोग ऐसे ही पैदल पैदल जा रहे हैं अभी एक किनारे से। Yeah.
दोस्तों हम लोग आए हैं आज इस कॉम्प्लेक्स पे क्योंकि थोड़ी सी मेरे फ्रेंड हैं जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए दिखाने के लिए ब्लड जांच कराने के लिए आए हैं। तो एक मेरी जो दोस्त है वो अपनी दांत निकालने को आई है और दूसरी वाली ने ब्लड जांच करवाया था, उसका रिपोर्ट लेने आई है। और मेरे को भी जाना है लेकिन मैं कल परसों हल्द्वानी को ही जाऊँगी। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मार्केट से घर को, हो गया हमारा काम, ये अपनी रिपोर्ट लेके आ गई है और दूसरी वाली मेरी दोस्त उसके लिए अभी दवाई निःशुल्क दिए हैं, अभी दो दिन के बाद और जाएगी। और मेरा भी थोड़ा सा सामान लाने में लेके आई हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं घर को। और हम लोग जा रहे हैं इसी रोड से घर को, यहाँ पे शायद किसी की शादी हो रखी होगी, टेंट लगी है, कल भी लगा था आज भी है। अब हम जाते हैं घर के ओर। दोस्तों रास्ते में जा रहे थे और यहाँ पे शिव मंदिर का थोड़ा सा मंदिर का दर्शन करके रास्ते से ही जा रहे हैं, बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ भी। अभी हम पहुँच चुके हैं हरियंत कॉलेज के सामने, बीएड कॉलेज के पास, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा भी होगा, बहुत अच्छा सा कॉलेज है यहाँ का, छोटे प्ले से लेके बीएड तक के कॉलेज है। यहाँ पे मंदिर है जैन लोगों की, तो आगे भी उनकी कॉलेज है, बहुत अच्छा है ये वाली स्कूल कॉलेज। और हमारा रास्ता भी इसी रोड से आता है उधर को, तो हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। दोस्तों आज के ब्लॉग में यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, फिर मिलते हैं कुछ नई व्यू और नई ब्लॉगिंग के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरे तरफ से और मेरे दी लोगों भी बोल रहे हैं अपने तरफ से बाय करके सब लोग, बाय।